नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल DMD फार्मेसी ज्ञान, योर हेल्थ योर प्योरिटी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ज़ीरोडॉल SP टैबलेट के बारे में। इसका यूज कब, कैसे और कितनी मात्रा में करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम जानते हैं ज़ीरोडॉल SP टैबलेट के बारे में। ज़ीरोडॉल SP टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जिसमें कॉम्बिनेशन है एसिक्लोफेनिक 100 mg एंड पैरासीटामोल 325 mg और सैरेपेप्टाडोज 15 mg होता है। अब हम बात करेंगे ज़ीरोडॉल SP के यूज के बारे में। इस टैबलेट का यूज अधिकतर दर्द या सूजन में किया जाता है, जैसे कि अगर किसी को चोट लग गई है और उसको दर्द हो रहा है और साथ में सूजन भी है, तो यह टैबलेट दर्द और सूजन को कम करने में काम आती है। या फिर किसी को मोच आ गई है, दर्द भी हो रहा है, सूजन भी हो रही है, तो इस टैबलेट का यूज करने से दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलता है। या फिर उसकी हड्डी टूट गई है, दर्द हो रहा है और साथ में सूजन भी आ गई है, तो इस टैबलेट को हम यूज कर सकते हैं। और अगर किसी को हड्डियों के ज्वाइंट में पेन हो रहा है और दर्द हो रहा है या साथ में सूजन भी है, तो इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, ये हमें काफ़ी आराम देगी। ज़ीरोडॉल टैबलेट का लगभग यूज दर्द या सूजन दोनों में काम आता है, और इसका उपयोग दर्द या सूजन में ही करते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे ज़ीरोडॉल SP के टैबलेट के डोज के बारे में, किसको कितना यूज करना चाहिए। ज़ीरोडॉल SP टैबलेट उन्हें दी जाती है जिन व्यक्तियों में वजन 50 किलोग्राम से अधिक होता है। ऐसे मरीजों को यह टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद देना चाहिए, और अगर मरीज को इस टैबलेट की ज़्यादा ज़रूरत है तो यह टैबलेट एक दिन में दो बार यूज कर सकता है, जैसे सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद यूज कर सकता है। अब हम बात करेंगे ज़ीरोडॉल SP को यूज करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। यह टैबलेट आपको प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लीवर या किडनी की कोई प्रॉब्लम है तब ये मेडिसिन आपको नहीं लेना चाहिए। अगर ज़ीरोडॉल SP लेते समय आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो टैबलेट ये नहीं लेनी चाहिए। इस टैबलेट को लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए। इस टैबलेट में दिन में दो बार से अधिक नहीं लेना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ज़ीरोडॉल टैबलेट की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेडिसिनल नॉलेज लेने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।